समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे अब तक पढ़ रही हो, चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6th पीरियड में देना है, अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा, अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूंगा। अभी जाऊं खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी हैं। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ, जब तक खेलूंगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है, आओ ना थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है, कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है, शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है, रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूँगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। आदत सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा कि घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा, मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो,
मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे? अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की, तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा, उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुनके दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ, और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई, वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है, रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहां अब किसी की सुनने वाला था, वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले, तो अचानक से 2 लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर सारे जवाब सही दिए तो G1 की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी, और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए, वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई, और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।